बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और सिस्टम का पांचवा क्लास है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। पिछले क्लास में हमने एबीसीडी पैरामीटर पढ़ लिए कि एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, पावर सिस्टम कंसीडर कर टू पोर्ट नेटवर्क, उसमें अपने एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सारा चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। आज हमने पढ़ना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस हमने करना है और इसको मैथमेटिक्स को देखना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन किस तरह बिहेव करता है पावर सिस्टम एनालिसिस में। एक सिंपल डायग्राम है पावर सिस्टम एनालिसिस को, जिस तरह जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होता है, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन होता है, फिर आखिर में फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर कंज्यूमर लोड वगैरह होते हैं। हमने क्या करना है, ये जनरेटिंग स्टेशन है मेरे पास, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ये हमारे मेरे पास लोड है। हमारा जो पावर सिस्टम में आज का जो लेक्चर है वो ट्रांसमिशन लाइन पर है कि हमने ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करना है और उसको देखना है कि ट्रांसमिशन लाइन किस तरह काम कर रहा है, उसको जो कितने मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो लिटिल बिट हमने देखना है कि किस तरह होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेंथ अबाउट 80 किलो मैक्सिमम 80 किलोमीटर एंड इट्स वोल्टेज नॉट ग्रेटर देन 69 kV। अगर आप कोई बंदा आप कह दें कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन कितना है, कौन सा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, आप पहले उसको देखते हैं कि उसका जो ट्रांसमिशन जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक यानी कंज्यूमर तक या ग्रिड तक उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस से पता चलता है कि डिस्टेंस अगर लेट सपोज 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन कंसिडर होगा और उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सब कुछ डिफरेंट होगा। अगर 80 किलोमीटर से ज़्यादा है तो क्या है, वो 80 से 250 तक, यहाँ पे एक गलती हुई है, 250 किलोमीटर है ये ट्रांसमिशन लाइन। 80 से लेकर 250 किलोमीटर तक जो लेंथ होता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है। और फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन, व्हेन द लेंथ ऑफ द होराइड ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन 250 किलोमीटर एंड लाइन वोल्टेज इज वेरी हाई। जिस तरह आप शॉर्ट वोल्टेज में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कम होता है, फिर मीडियम में लेंथ ज़्यादा होता है और साथ साथ उसका वोल्टेज लेवल भी इंक्रीज होता है। इसका मीडियम वोल्टेज डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है इस एरिया के लिए। लेट सपोज एक एरिया है, उसमें एक डिवीजन के लिए लेट सपोज आप उसे ट्रांसमिशन लाइन ले जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने 66 kV या कितना या 132 kV लगाना है तो उसके मुताबिक आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करंट लेके जा सकते हैं। फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वो 250 किलोमीटर जब उसका लेंथ ज़्यादा हो जाए तो जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है पूरे का, वो आप जितना भी आप वोल्टेज चाहें उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन का लाइन लेंथ का जो है वो 80 किलोमीटर है, मीडियम का 80 से 250 किलोमीटर है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो 250 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ हो गया तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर होगा। ये इसलिए कर लेते हैं कि मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन और लॉन्ग में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उसके जो एजम्पशन है वो डिफरेंट है और उसके लिए जो कंडक्टर यूज़ होते हैं, उसके लिए जो सारे चीज़ें जो यूज़ होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उसको डिवाइड किया होता है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन में आपके पास एक कंडक्टर है, वो किस चीज़ से बनता है, इंडक्टर और रेजिस्टर से होता है। ये आपका एक रेजिस्टेंस है और साथ उसका कंडक्टर है, इसको हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लेट सपोज उसको कहते हैं हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस और सस्पेंस वगैरह को नहीं कंसिडर करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास सिर्फ R1 और X1 कंसिडर होंगे। अब लगा लें सपोज AC सोर्स आप उसके साथ लगा लें, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है, ए वाला लाइन जो R1 X1 है, इज कॉल्ड लीडिंग कंडक्टर। इसमें टू कंडक्टर होते हैं, टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन होता है। जो फर्स्ट वन अपर वाला कंडक्टर है जिसमें उसको लीडिंग कंडक्टर कहते हैं, ये सेकंड ट्रांसमिशन लाइन है और इसमें R1 X1 है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल सेम है और उसको रिटर्न कंडक्टर भी कहते हैं। ये आपके पास जिस तरह मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि VS को डोनेट करता है सेंडिंग इन वोल्टेज और VR को रिप्रेजेंट करता है रिसीविंग इन वोल्टेज और आपके पास ये लोड है। यहाँ पे टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द अपर वन इज कॉल्ड लीडिंग कंडक्टर एंड द लोअर वन इज कॉल्ड रिटर्न कंडक्टर। इसमें जो R1 है और X1 है वो हम लमसम
लम्प्ड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं और एक्स वन भी लम्प्ड इंडक्टेंस है, जब आप उसको आर वन एंड आर टू को कंबाइन करते हैं तो इसका लूप रेजिस्टेंस, और जिस तरह इंडक्टेंस को एक्स वन और एक्स वन को कंबाइन करते हैं एडअप करते हैं तो ये लूप इंडक्टेंस कंसिडर होते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। जब आप कोई बंदा ट्रांसमिशन लाइन की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो इसके लिए आप आर वन एक्स वन को लम रेजिस्टेंस और लम इंडक्टेंस लेते हैं, लेना पड़ेगा, ताकि हमारे लिए जब उसको एनालिटिकल मॉडलिंग या कोई फॉल्ट एनालिसिस वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर लेट सपोज एग्जांपल है टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें जो अपर वन है वो लीडिंग कंडक्टर है, जो लोअर वन है रिटर्न कंडक्टर। जब आप इन दोनों को आर वन अपर लीडिंग कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है और आर वन रिटर्न कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है आप उसे एडअप कर ले तो इसका लूप रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह अगर उसके एक्स वन के लीडिंग कंडक्टर का एक्स वन और रिटर्न कंडक्टर का एक्स वन को एडअप कर ले तो उसका लूप इंडक्टेंस कंसिडर होते हैं। बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर है पावर सिस्टम पावर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। ये आई एस है, जिस तरह सेंडिंग एंड करंट एंड वोल्टेज है, और फिर और रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग करंट है, और इसको हमने वो जो रिटर्न जो कंडक्टर था वो हमने वो इस एक लाइन पे रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने अब सारे लूप रेजिस्टेंस और लूप इंडक्टेंस ले लिए। और दूसरी बात है, हमारे पास एक सीरीज नेटवर्क बन जाता है। ये जो नेटवर्क है अगर उसको आप एनालिसिस कर लेते हैं, इसको लोड कंसिडर ना करें, तो आपके साथ लेट सपोज यहाँ पे लोड सारे लोड लगा लें और इसको KVL अप्लाई कर लें तो एक आपके पास ये सीरीज नेटवर्क बन जाता है। द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो है, क्योंकि एक सीरीज नेटवर्क है, ये बाकी मीडियम ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन में ये सीरीज नेटवर्क नहीं बनता है। आपके पास जो जेड इम्पीडेंस है आर वन और एक्स वन का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क है शॉर्ट ट्रांसमिशन का जो इम्पीडेंस है वो आर वन प्लस जे एक्स वन है, इसका जो इम्पीडेंस है। आई एस एंड आर वन इज इक्वल टू सेंडिंग एंड का करंट और रिसीविंग एंड का करंट एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज सीरीज नेटवर्क में सेंडिंग एंड का करंट और रिसीविंग एंड का करंट सेम होता है। अगर हम उस पर KVL अप्लाई कर ले, KVL का जो रूल है उसको अप्लाई कर ले और उसका इक्वेशन फाइंड आउट करें कि इसका इक्वेशन किस तरह बनते हैं। हम इसका इक्वेशन बनेंगे, हमारे आपके पास जिस तरह KVL है, आपको सबको पता है नेटवर्क थ्योरम, ने आपने सब जगह KVL वगैरह पढ़े हुए हैं। ए माइनस वी एस प्लस आई आर, जिसमें ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में, तो आई आर जेड और प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो है। ये आपका जब KVL रूप अप्लाई कर लें तो क्या बनता है, माइनस वी जेड प्लस आई आर, इसको ट्रांसमिशन लाइन को सारे कंबाइंड एज इंपेडेंस वैल्यू ले लें तो आपके साथ आई आर जो रिसीविंग करंट है, या आप उससे आई आर या आई एस दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि आई एस इज इक्वल टू आई आर है, तो प्लस वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या किया, सिर्फ वी एस को एक साइड पे किया और आई आर जेड प्लस वी आर एक हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। ये इक्वेशन कहाँ से आ गया है, हमने इस रूप इस नेटवर्क पे KVL रूल अप्लाई की है, हमारे पास ए वी एस आई आर जेड प्लस वी आर इक्वेशन नंबर वन ए आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि आई एस इज इक्वल टू आई आर है, आई एस इज इक्वल टू आई आर है। हमने जब आई एस आई जेड कर लेते हैं प्लस वी आर इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ सकता है ओपन सर्किट कंडीशन में, इसमें ओपन सर्किट में, क्योंकि आपके पास इक्वेशन नहीं आते। अब यार माइक बंद कर दे, किसका माइक आने, अपने माइक को बंद कर दे प्लीज, इस तरह ना करें क्लास के दौरान। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हमने टू पोर्ट नेटवर्क से कंसीडर करना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को टू पोर्ट नेटवर्क में किस तरह होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा चीज पूरे डिटेल से डिस्कस की है, और इसके जो इक्वेशन बनते हैं और उसके जो एबीसी मैट्रिक्स बनते हैं हमने काफी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। आपके पास जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है VRA प्लस IRB है, IS इज इक्वल टू VRC प्लस IRD है, जो आपके पास जो
ए बी सी डी नेटवर्क है, ए बी सी डी पैरामीटर है, हमने सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के थ्रू हमने लिखना है। फिर हम क्या करते हैं, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। जो मैट्रिक्स बना दिया क्योंकि हमने वी एस और आई एस को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन वन एंड टू जो प्रीवियस इक्वेशन है आपके पास, वी एस आई एस प्लस आई आर आई जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस आई आर इंटू वी आर एंड आई आर, ये जो प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस इसमें थे स्लाइड में, उससे हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लिए। हमारे पास जेड का जो वैल्यू है आर वन प्लस जे एक्स वन है, जब उसको जेड की जगह रिप्लेस कर ले तो हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स बन जाता है। ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वन मैट्रिक्स है इक्वेशन नंबर वन एंड टू आफ्टर जो मैट्रिक्स बनता है, ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए वही से हमने ये मैट्रिक्स बना दिए। फिर हमने हमारे पास जो जेड वैल्यू है, जेड इज इंपेडेंस विच कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड का जो करंट है, सेंडिंग एंड का जो वैल्यू है वी एस वी आर आई आर, यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है जेड की जगह हमने उसके वैल्यू पुट की है। फिर हमने सिर्फ वो ब्रैकेट को खोल दिया, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर वन प्लस जे आर एक्स वन है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको समझाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। फॉर सेंडिंग फॉर, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सेंडिंग एंड वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपको रिसीविंग इनका डेटा पॉइंट मालूम होने चाहिए। जब आप लेट सपोज आपके पास इक्वेशन है, इसमें टू वेरिएबल्स है वी एस एंड आई आर, आपको आई आर का वैल्यू एंड वी आर का वैल्यू नोन होना चाहिए, तब आप वी एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा लोड पावर फैक्टर को हमने क्लासिफाई करना है कि अगर लोड मेरे पास किस तरह होगा। लोड पावर फैक्टर हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होगा या लीडिंग पावर फैक्टर होगा। जब आपके पास लोड है उसको आपने देखना है कि लोड हमारे मेरे पास लैगिंग पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर है। जब आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर है तो उसका क्या पर रिस्पांस होने चाहिए और उसका जो फेजर डायग्राम बनते हैं उसका किस तरह होने गए। अगर आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर है तो इसका किस तरह बनता है, अगर आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर है तो उसका जो फेजर डायग्राम है वो किस तरह बनते हैं। हमने जब लोड को क्लासिफाई करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पावर फैक्टर, लैगिंग लोड है, यूनिटी लोड है या लैगिंग लोड है। थीटा कॉस फाई आर है आपके पास रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है, कॉस फाई एस आपके पास सेंडिंग एंड पावर फैक्टर है। ये आपके पास एक लैगिंग पावर फैक्टर में जो आपके पास जो इक्वेशन बनते हैं उसका फेजर डायग्राम बनता है, हमने उसको देखना है। ये सिंपल आपके पास नेटवर्क इक्वेशन नेटवर्क डायग्राम है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया है कि ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ये रिसीविंग सेंडिंग एंड है और ये पूरा इंटायर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो डायग्राम है हमने उसको यहाँ पे शो किया हुआ है। कास पाई आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर है और थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन रिसीविंग एंड करंट एंड वोल्टेज। आपके पास जो पावर फैक्टर है, हमने इसको लैगिंग पावर फैक्टर का जो फेजर डायग्राम ड्रा करना है कि लैगिंग पावर फैक्टर किस तरह बिहेव कर रहा है और इसका फेजर डायग्राम किस तरह होता है, क्योंकि कास पाई इज इक्वल टू लैगिंग पावर फैक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन रिसीविंग एंड करंट एंड वोल्टेज। जनरली जो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है, जब जिस तरह आप के वी एल का रूल अप्लाई कर ले तो वी एस वी आर प्लस आई आर आर वन प्लस जे आई आर एक्स वन है, जिस तरह इक्वेशन आप के वी एल का रूल अप्लाई कर ले तो आपके साथ इक्वेशन बन जाता है। फेजर डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम ने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कंडीशन है, जिस तरह हमने फेजर डायग्राम इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इन द फॉर्म ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर हमने उसका फेजर डायग्राम ड्रा करना है, तो उसके लिए हमने एक एजम्पशन करना है, टेकिंग रिसीविंग इन वोल्टेज इज अ रेफरेंस। सर यहाँ पर वी एस वी आर लिखना है, मैंने गलती या वी एस लिखा हुआ है, रिसीविंग इन वोल्टेज। ये आपके पास वी आर है, जिस तरह हमने रिसीविंग इन का जो रेफरेंस वोल्टेज है हमने यहाँ पर ए ले लिया है इज अ रेफरेंस वैल्यू। फिर हमारे पास क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर में वी एंड आई ऑलवेज लैगिंग वोल्टेज, दैट वाई यहाँ पे आई जो करंट है ये लैग कर रहा है वोल्टेज से, क्योंकि हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग पावर फैक्टर है। आई आर इज इक्वल टू आई एस है,
और थीटा यहाँ पर जो एंगल बनता है वोल्टेज एंड करंट के दरमियान जो फाई एंगल थीटा एंगल बनता है वो थीटा आर इज इक्वल टू थीटा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इक्वेशन को देख लें तो आपके पास वी आर के बाद क्या आता है आई आर आर वन आता है, तो बिल्कुल इस सेम फेज में होते हैं। इस तरह करंट का जब फेज होता है करंट का डायरेक्शन होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल में होता है आई आर वन, उसको बिल्कुल पैरेलल में ड्रा किया जिस तरह ये ब्लैक है ब्लैक लाइन शो कर रहा है आई आर आर वन है। इसके बाद हमारे पास आता है जे आई आर एक्स वन है क्योंकि आप फिर आप उसको अपने 90 एंगल पे क्योंकि जे आपको शो कर रहा है वो 90 एंगल पे आपके साथ बिल्कुल जो आई आर के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 एंगल डिग्री बनाता है। फिर तो इसके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वी एस आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है क्योंकि हमने वी एस को फाइंड आउट करना है। वी एस को फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या लिया वी आर को एज अ रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, फिर इसके साथ करंट को ड्रा किया एज अ लैगिंग करंट और इसके दरमियान जो थीटा एंगल बन रहा था, फिर आई आर आर वन है वो करंट के जो डायरेक्शन है करंट का जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल में उसको ड्रा किया है, फिर आई आर एक्स वन है जी शो कर रहा है 90 एंगल, फिर वो आई आर वन के साथ वो 90 एंगल बना रहा है और फिर हमारे पास जो वी एस होगा वो रिजल्टेंट होगा। वी एस आपके पास क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इसका जो वी आर एंड वी एस के दरमियान जो एंगल है या थीटा है वो थीटा एस कंसिडर करेंगे। आपके पास ऑलवेज थीटा एस इज ग्रेटर देन थीटा आर, ये रूल है उसके कंडीशन है कि थीटा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी आर। कॉस फाई एस अ लैगिंग पावर फैक्टर, कॉस फाई आर इज अ लैगिंग पावर फैक्टर, ये आपके पास एक लैगिंग पावर फैक्टर एक फेजर डायग्राम किस तरह ड्रा करता है समझ आ गए होंगे कि एक फेजर डायग्राम को आप लोगों ने किस तरह ड्रा किया है। एक मरतबा दोबारा समझा रहा हूँ इस फेज को कि आपने लैगिंग पावर फैक्टर को किस तरह करना है। जब हमने फेजर डायग्राम को ड्रा करना है एक बात को ख्याल रखना है इस कंसीडर करना है कि आपने एक चीज़ को एजम्पशन लेना है या करंट को एजम्पशन लेना है रिसीविंग एंड करंट को या वोल्टेज को एजम्पशन करंट वोल्टेज को आपने रेफरेंस वैल्यू लेना है। यहाँ पर हमने वी आर को एज रेफरेंस वैल्यू कंसीडर करना है तो आपके पास एक वी आर है कि आपने एक रेफरेंस वोल्टेज पे कंसीडर किया है एक रेफरेंस वोल्टेज हो गया है क्योंकि अब फिर आई आर है आई आर इज इक्वल टू आई एस है वोल्टेज और करंट लेग कर रहा है करंट वोल्टेज से लेग कर रहा है तो इसका जो शो इस तरह शो करते हैं और इसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा आर इज इक्वल टू थीटा है। फिर इसके बाद जो आता है आई आर आर वन है वो बिल्कुल जो आई करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उसको ड्रा करना है जिस तरह ब्लैक है उसी डायरेक्शन में हमने ड्रा किया है। फिर इसका जे आई आर एक्स वन है फिर उसको 90 डिग्री से एंगल से ड्रा करना है क्योंकि जे आपको 90 डिग्री शो कर रहा है। फिर आपके पास वी एस आई आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया है जो हमें रिक्वायर्ड होती है और थीटा एस द एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एस। इट्स नोटेड दैट थीटा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा आर एंड कॉस फाई एस इज लैगिंग पावर फैक्टर। ये जो डायग्राम है इससे शो होता है कॉस फाई इज अ लैगिंग पावर फैक्टर एंड कॉस फाई आर इज अ लैगिंग पावर फैक्टर बिकॉज करंट इज लैगिंग वोल्टेज। अच्छा लैगिंग पावर फैक्टर हमने एक दूसरी तरीके से ड्रा करना है। लेट सपोज अगर आप करंट इज अ रेफरेंस कंसीडर कर ले कि करंट आप इज अ रेफरेंस होगा कि आई आर यहाँ पर फिर भी आई एस की जगह आई आर को रिप्लेस करना है। मैं दोबारा अपलोड करूँगा ये चीज़ आई एस टेकिंग करंट इज अ रेफरेंस। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या लिया था वोल्टेज रेफरेंस लिया था, यहाँ पर हमने करंट को रेफरेंस देखना है और उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वही इक्वेशन है वी एस इज इक्वल टू वी आर आई आर आर वन प्लस जे आर आई आर एक्स वन जो इक्वेशन है हमने क्या लिया है फर्स्ट हमने करंट को एज अ रेफरेंस ले लिया क्या है। पिछली स्लाइड में हमने वोल्टेज को एज अ रेफरेंस ले लिया, यहाँ पर हमने करंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लिया। फिर हमने क्या किया वोल्टेज है उसको सारा ड्रा किया हुआ है क्योंकि वोल्टेज लीड करा है करंट लैग करा है तो उससे हमने उसको इस तरह ड्रा किया है। जो एंगल है बिटवीन आई एंड आर इज इक्वल टू थीटा आर है ये थीटा आर एंगल बन गया है। फिर इसके साथ आई आर आर वन है जिस तरह उसको पैरेलल में ड्रा करना है करंट के जो पैरेलल है उसके मुताबिक आपने उसको ड्रा करना है क्योंकि वो जो करंट का पोजीशन है उस पोजीशन में आपने उसको भी ड्रा करना है।
फिर आखिर में क्वेश्चन जो आता है वो जे का वैल्यू होता है, जे उसको 90 डिग्री होता है, वहाँ पर उसने हमने जे एक जे करंट एक्स वन हमने उसको 90 एंगल पे ड्रा किया है, और वी एस आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और थीटा एस इज द एंगल बिटवीन वी वी आर एंड वी एस। ये मैंने जनरली उसको नामी डोनेट किया है कि इस पॉइंट को हमने ओ पॉइंट दिया है, और इस पॉइंट को जिस तरह आई आर एंड वी आर को आई आर वी आर को जिस तरह एंड आई आर को कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हमने ई का नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया, जस्टली प्रेजेंटेशन नॉमिनेक्लेचर के लिए। हमने जिस तरह हमें पता चलता है जब उसके मैथमेटिकल इक्वेशन उसको फाइंड आउट करते हैं तो हमें किस तरह मालूम हो जाए कि उसका लेंथ किस तरह है, कितना लेंथ है, और दूसरा ए पॉइंट ए है और ए बी और ए सी, उस तरह हमने नेमिंग दे दी है। वी एस आपके पास क्या है, वी एस आपके पास है ओ ओ सी, ओ सी जो वेक्टर है वो आपके पास वी सी को जो शो करा है वो वी सी ओ सी वेक्टर शो कर रहा है। जो इक्वेशन है जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई कर लें, ओ सी इज इक्वल टू जो आपके पास इज इक्वल टू ओ डी है, जो आपके पास जो करंट का जो पूरा लेंथ है वो ओ डी कंसिडर होगा, प्लस डी सी जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है वो डी सी कंसिडर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो डी सी होगा। उसी को आप रिप्लेस करते हैं बाई वी एस, वी एस स्क्वायर जो आपके पास वी एस है उसको उसी को रिप्लेस करते हैं बाई वी एस, वी एस वेक्टर है वी एस को हमने वी एस स्क्वायर ले लिया, और ओ डी जो कंबाइन होते हैं वो किस चीज़ से कंबाइन होते हैं, वो दो वेक्टर से बनते हैं, ये क्या है, एक ओ ई है और दूसरा ई डी है, उसको स्क्वायर ले लिया, और फिर जब डी सी को लिख लेते हैं ये जो डी सी वेक्टर है उसमें फिर दो वेक्टर होते हैं, एक पोर्शन दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट पोर्शन क्या है डी बी प्लस बी सी, बी सी ये दो पोर्शन है इसके। जब हम उसके इक्वेशन लिखते हैं वी एस इज इक्वल टू ओ ई, आपके पास ओ ई क्या है वी आर कॉस फाई आर है, इसका अगर आप प्रोजेक्शन ले ले उसका उसका प्रोजेक्शन ले ले तो आपके पास ओ ई का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और तो ये क्या बनता है वी वी आर का जो प्रोजेक्शन है उस पर इधर ले ले तो आपके पास वी आर इज इक्वल टू कॉस फाई आर है, और आई आर का जो वैल्यू है क्योंकि इसका कोई और वेक्टर नहीं बनते तो उसको अगर डायरेक्ट आई आर हम लिखते हैं, और डी बी का जो वैल्यू है डी बी अगर उसका हमने परपेंडिकुलर ले लिया तो इसका क्या होगा ये आपका साइन थीटा कंसिडर होगा, तो आपके पास ये क्या होगा वी आर साइन थीटा आर, और इसके पास जो आई एक्स एल इसका जो वैल्यू है वो आई एक्स क्योंकि बिल्कुल सीरीज में है इसके साथ तो आई एक्स कंसिडर होगा। हमने वी एस को फाइंड आउट करना है तो उसको अंडर रूट ले लेते हैं और उसका वैल्यू सारा इक्वेशन लिख लेते हैं उसके ऊपर अंडर रूट लेते हैं ताकि हमारे पास जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाए। ये आपके पास एक लैगिंग पावर फैक्टर का जो इक्वेशन है वो इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रीवियस जो स्लाइड था वहाँ पर हमने क्या लिया था वोल्टेज इज अ रेफरेंस लिया था, और इस स्लाइड में हमने क्या लिया था करंट इज अ रेफरेंस वैल्यू ले लिए, और इसके जन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आते हैं यूनिट पावर फैक्टर में, यूनिटी पावर फैक्टर में, यूनिटी पावर फैक्टर किस तरह होता है, यूनिटी पावर फैक्टर हमने फाइंड करना है कि उसमें जो एंगल थीटा होता है वो जीरो होता है, कोई एंगल नहीं होते यूनिटी पावर फैक्टर में, एंगल जीरो होता है। ये स्टार ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है, cos theta is the unity power factor, theta r is zero, आपके पास जो theta है वो zero होगा, ये generally आपके पास जो equation बनता है वो वही equation है। इस डायग्राम में taking receiving end voltage is the reference, आपके पास जो receiving end voltage है वो आपने वो reference ले लिया, आपके पास क्या होता है IR होता है और VR सेम फेज में होते हैं क्योंकि IR एंड VR में कोई A नहीं है, एंगल नहीं है, ना लीड कर रहा है ना लेग कर रहा है, सेम फेज में है क्योंकि हम आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर है तो आपके साथ वोल्टेज एंड करंट सेम फेज पे होंगे। और फिर इसके बाद क्या आगा वी आर के पास हमारे पास क्या आता है आई आर एंड आर वन आता है तो हमने उसको बिल्कुल फेज में लिख दिया क्योंकि वो करंट के फेज में आता है, जिस फेज में जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में करंट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होता है वही उस डायरेक्शन में होता है। फिर जाके जो लास्ट क्वांटिटी आता है वो जे जे आर आई एंड एक्स वन है, हम उसमें परपेंडिकुलर जे इक्वल टू 91 और इसका जे इक्वेशन अपने वेक्टर वी एस को वी एस आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है। एक यूनिटी पावर फैक्टर का
फेजर डायग्राम है, एक यूनिटी पावर फैक्टर में उसका फेजर डायग्राम किस तरह बनते हैं, ये सारा एक राइट एंगल की तरह फेजर डायग्राम बनते हैं यूनिटी पावर फैक्टर का, क्योंकि इसमें वोल्टेज एंड करंट सारे सेम फेज में होते हैं, उसमें कोई लीड या लैग नहीं कर रहा है। एक यूनिटी पावर फैक्टर का जो एंगल है थीटा एस, वो वी एस बिटवीन वी एस और वी आर यानी के दरमियान जो एंगल होता है वो थीटा एस कंसिडर होगा, यानी कोऑर्डिनेट होते हैं। ये वी आर है और आपके पास जो डिस्टेंस है वो वी आर कंसिडर होगा और ये आई आर कंसिडर होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके पास जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर हमने किस तरह काम करना है। हमने लैगिंग पावर फैक्टर को देख लिया, लैगिंग पावर फैक्टर के आपके पास जो फेजर डायग्राम है उसको हमने देख लिया कि उसका फेजर डायग्राम किस तरह बनते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर का हमने अभी देख लिया कि इसका फेजर डायग्राम किस तरह बनते हैं। और थर्ड हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर में आप क्या करते हैं, कास वाई कास थीटा हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर है। फेजर डायग्राम में क्या लेते हैं, टेकिंग रिसीविंग वोल्टेज एज अ रेफरेंस, क्या है टेकिंग रिसीविंग वोल्टेज, रिसीविंग वोल्टेज एज अ रेफरेंस वैल्यू। पहले बिल्कुल इसी तरह जो हमने इस इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन को देखते हैं और उसका फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। वी एस आपके पास, वी आर आपके पास है, क्या नाम है, रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज की तरह है। फिर आपके पास जो करंट का वैल्यू है वो करंट और वोल्टेज आपस में, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो ऊपर बनता है और उसका थीटा आर कहते हैं, आई एस इक्वल टू आई आर है। फिर आपने क्या किया, आई आर को वैल्यू पुट करना है और वो उस एंगल में उस डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, करंट का लीड कर रहा है उस डायरेक्शन में हमने आई आर को पुट करना है एग्जैक्ट पैरेलल में। फिर बात आते हैं इसका क्या है, जे का वैल्यू होता है, जे आपके पास क्या है 90 डिग्री में बनता है। हमने बिल्कुल जे आई एक्स वन को बिल्कुल 90 डिग्री में उसको ऊपर बना दिया कि उसका 90 डिग्री एंगल इस तरह बनते हैं। तो आखिर में आपने क्या किया, वी एस को इज रिजल्टेंट वेक्टर आपने पुट किया कि वी एस आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर का जो फेजर डायग्राम है वो इसी तरह बनते हैं, क्योंकि पहले हमने दोबारा से समझाता हूँ लीडिंग पावर फैक्टर के, क्योंकि थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हम पहले आप क्या रहते हैं, वोल्टेज इज द रेफरेंस वैल्यू ले लिया, तो आपके पास जो करंट बनता है वो क्या है, लीडिंग सोर्स है, लीडिंग है तो वोल्टेज से लीडिंग कर रहा है और उसके दरमियान जो एंगल बनता है थीटा आर ओ करंट एंड वोल्टेज के दरमियान लीडिंग एंगल होगा, और उसको करंट वोल्टेज को बिल्कुल आपस में रेफरेंस में पैरेलल में पुट किया है। और इसके थर्ड को जो हमारे पास आता है वो जे आई आर एक्स वन है, और जे की वजह से हमारे पास जो एंगल बनता है एग्जैक्ट 90 बनता है। इसमें थोड़ा कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि थीटा 90 है ये पैरेलल है, लेकिन इस तरह शो होते हैं, मैंने जनरली इसका ड्रा किया हुआ है। और उस पर आपके पास भी ऐसे रिजल्टेंट वैल्यू आ गया है कि आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू किस तरह बनते हैं, आपके पास भी ऐसे आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। सर ये आई आर और आई एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, आई आर एंड आई एक्स वन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर होंगे। सही सर, ये अभी तो मेरे ख्याल में समझ आ जाएगी लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर का जो फेजर डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों ने खुद उसके ड्रा करना है तो इसके आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह मैंने समझा था काफ़ी इस वेक्टर से खुद बनाई हुई है ताकि आप लोग आसानी से समझ आ जाए। अब आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में कि वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह होते हैं, क्योंकि वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम एनालिसिस। आपके पास जो इक्वेशन है जिस तरह आप शार्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसके आपके वी एल अप्लाई कर ले, ये सारा एक ही ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए मैंने एक ही फिगर सारा ड्रा किया हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कि वी एल अप्लाई कर ले आपके पास जो इक्वेशन है ये बन जाते हैं। और आई एस इज इक्वल टू आई आर है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट वही इक्वेशन आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ए बी सी डी इज इक्वल टू, और जो प्रीवियस जो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आई आर जेड वन एंड जीरो जो ऊपर वाला ए मैट्रिक्स है इक्वेशन नंबर वन वाला, और ए आई एस इक्वल टू आई आर हमने क्या किया, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। और फिर ए इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, वन के बराबर है, बी इज इक्वल टू जी के बराबर है, सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, और डी इज इक्वल टू वन के बराबर है। इस तरह प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस लेक्चर में हमने इन चीज़ों को बता दिया है कि ए हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वन के बराबर होता है, बी आपके पास जी के बराबर होता है, सी इज इक्वल टू जीरो होता है, और डी इज इक्वल
अच्छा, इस तरह हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर में किस तरह होता है। लैगिंग पावर फैक्टर हिसाब से डिवाइड करना है कि लैगिंग पावर फैक्टर में तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर में लैगिंग पावर फैक्टर में तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, और यूनिट पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। लैगिंग पावर फैक्टर है एंगल क्या है करंट बिटवीन रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये आपके पास जो इक्वेशन है वी एस इक्वल टू वी आर आई आर जी एक्स वन है। फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज एज अ रेफरेंस। आपको वी एस हमने रेफरेंस लेना है। आपके पास ये क्या है जो प्रीवियस स्लाइड हमने पूरा एक्सप्लेन किया है रिसीविंग एंड वोल्टेज को, सॉरी फेजर डायग्राम लैगिंग जो फेजर डायग्राम है हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने एज अ टर्म ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हमने उसको फाइंड आउट करना है कि लैगिंग पावर फैक्टर में हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन क्या आता है, लैगिंग पावर फैक्टर में आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या आता है, और यूनिटी पावर फैक्टर में आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का क्या इक्वेशन आते हैं। ये आपके पास वी एस है, आई एस आपके पास लैगिंग कर रहा है, आपके पास बिल्कुल इसी तरह आई आर आर वन हमने पुट किया है, फिर जे एक्स वन आई एक्स वन है, हमने वी एस को इसके साथ तो एज अ रिजल्टेंट वेक्टर हमने बना दिया है। ये प्रोजेक्शन ऑफ वी एस हमने फाइंड करना है। आपके पास ये प्रोजेक्शन ऑफ जो लास्ट वन याद किया है ये प्रोजेक्शन ऑफ वी एस है, वी एस इक्वल टू कॉस फाई एस आपके पास ये प्रोजेक्शन बनाता है। ये आई क्या है, आई आर का आई आर आन कॉस फाई कॉस थीटा है। इसको अगर आप उसको रिजल्टेंट उसको टू वेक्टर यहाँ पे तो इतनी क्लियर नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अगर इसको देख लें तो इसका एक वेक्टर को दो जगह आपने डिवाइड करना है, एक पोर्शन उसका कॉस फाई बनता है और एक उसका साइन बनता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वो कॉस कास वेक्टर होता है, और इसका जो वर्टिकल होता है क्या होता है, आई आर एक्स वन साइन थीटा होता है। अगर हम उसको आपके पास वी एस कास थीटा किसी बराबर तो इसलिए वी एस कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है आपके पास वी आर प्लस आई आर वन कॉस फाई कॉस थीटा प्लस आई आर वन इनटू साइन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हो गया है, और बाकी आपका उसका जो फार्मूला है आई आर डिवाइड बाई वी आर आर वन कॉस थीटा एंड एक्स वन साइन थीटा। ये आपके पास लीडिंग लैगिंग वोल्टेज लैगिंग पावर फैक्टर में जब आप वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसका इस तरह है। दोबारा से इक्वेशन समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरह वी एस बन गया तो उसका हमने प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन आपके पास वी एस कॉस ऑफ थीटा एस हो गया है, और फिर हमने आई आर का रिजल्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो रिजल्टेंट वैल्यू जब किसी वेक्टर को आप दो जगह डिवाइड करते हैं उसको हमने एक पोर्शन उसका जो बनता है परपेंडिकुलर आपका वो साइन थीटा बनता है, और जो रिजल्टेंट जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसको हमने कॉस थीटा लेते हैं। इसका कॉस थीटा और साइन थीटा हमने उसको फाइंड किया है। हमें पता है कि वी एस किसके बराबर हो, जो ए वाला जो वेक्टर है वी एस का जो वेक्टर है जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो क्या है, वी एस कॉस ऑफ थीटा बराबर है इज इक्वल टू वी आर जो आपके पास ए वाला है वोल्टेज है वी आर आई आर और फिर आखिर में प्लस एडअप कर देते हैं आई आर एक्स वन साइन ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि वी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी एस स्टेबिलिटी इक्वेशन वगैरह से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एजम्पशन करना है कि वी एस इज इक्वल टू वी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी एस के बराबर होता है।
हमने पुट किया सिंपल और कुछ नहीं किया है। फिर हमने वी आर को वी एस की वी साइड पर लेके चला गया, उसका साइन है वो नेगेटिव हो गया है। तो आखिर हमने वी एस वी एस से डिवाइड किया है, क्योंकि हमने वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया है, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी एस है। हम यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पुट करते हैं, उसकी तरफ लेके जाते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बनता है। तो इक्वेशन है आई आर वी आर आर वन कॉस ऑफ थीटा एंड प्लस एक्स वन साइन ऑफ थीटा एंड 100। ये आपके पास वोल्टेज इक्वेशन के वोल्टेज रेगुलेशन का लैगिंग पावर फैक्टर में इक्वेशन बन गया है। हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर में किस तरह होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में आपके पास जो इक्वेशन बनते हैं वो किस तरह होते हैं। इनको इस तरह एक फेजर डायग्राम हमने ड्रा करना है। आपके पास वी आर है और थीटा आपके थीटा है, आपके पास लीडिंग है करंट से। हमने आई आर वी आर को ड्रा किया, एक्स वन को ड्रा किया और फिर आपका वी एस आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया है। हमने उसको जो उसको वेक्टर को हमने उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड किया है कि उसका कॉस थीटा और साइन थीटा वगैरह, सो हमने उसको ड्रा किया है और इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। वी एस कॉस ऑफ थीटा एस थीटा इज एस इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा वी आर होगा वी आई आर एंड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर जो थीटा माइनस 90 है, यहाँ पर उसका जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आई आर एक्स वन साइन ऑफ थीटा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है लीडिंग पावर फैक्टर में। वी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी एस के बराबर होता है। फिर वी एस वी आर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं और इसको साइन चेंज करते हैं, फिर वी एस से डिवाइड करते हैं और उसके आपके पास जो इक्वेशन बनता है प्लस वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास आई आर डिवाइड बाई वी आर आर वन कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स वन साइन ऑफ थीटा। लैगिंग पावर फैक्टर में यहाँ पे प्लस साइन था और लीडिंग पावर फैक्टर में यहाँ पे नेगेटिव साइन था। अब हम जाते हैं यूनिटी पावर फैक्टर में। यूनिटी पावर फैक्टर में हमने किस तरह वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करना है, कि यूनिटी पावर फैक्टर में हम आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या होते हैं उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आपके पास थीटा क्या होता है, जीरो होता है, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ जीरो और साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। लैगिंग पावर फैक्टर में आपके पास इक्वेशन होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में इक्वेशन बन जाता है और यूनिटी पावर फैक्टर में आपके जब थीटा वैल्यू साइन में जीरो पुट करते हैं तो क्या होता है, पूरा टर्म जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है और कॉस ऑफ पाई को वन पुट कर जीरो पुट करते हैं आपके पास यही वन हो जाता है। तो आपके पास आई आर डिवाइड बाई वी आर आर मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आ रहा है, पता नहीं क्रॉस है साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं, यहाँ पर आपने क्रॉस पुट करना है। आपके पास एग्जाम्पल करने हैं कि इसके एग्जाम्पल किस तरह करना है और इसके एग्जाम्पल का जो वैल्यू है हमने किस तरह उसको फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उसका जो इम्पीडेंस गिवन है 0+2+j45 ओम पर फेज। ये फिगर में जो शो हुआ है इसका पूरा इम्पीडेंस हमने एड अप किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है वो 3.3 kVA लाइन टू लाइन वोल्टेज है एंड रिसीविंग एंड का जो पावर है लोड है वो 250 kW पर फेज है और इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है। कैलकुलेट रिसीविंग एंड वोल्टेज लाइन करंट एंड एफिशिएंसी। ये आपके पास एक पेज नंबर 93 पे 3.1 में हम जो मैंने बुक अभी अपलोड की है ग्रुप में, उस बुक से मैंने एग्जाम्पल ली हुई है, उस बुक का एग्जाम्पल है पेज नंबर 93 पे चैप्टर नंबर 3 पर। रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या है, वी आर हमने फाइंड आउट करना है, आई एस इज इक्वल टू आई आर हमने फाइंड आउट करना है एंड हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। और गिवन डेटा आपके क्या है, पावर हमने गिवन है 250 kVA पर फेज हमें गिवन है, एम्पीडेंस हमें गिवन है, वी एस लाइन टू लाइन हमें 3.3 kVA हमें गिवन है, पावर फैक्टर रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर हमें गिवन है 0.8 पावर लैगिंग है। हमने सोल्यूशन करना है, यहाँ पर हमने KVL को अप्लाई करना है, KVL को जब अप्लाई करने वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड है। ये आपके पास एक के वी एल का जो इक्वेशन है यही बनते हैं। आपके पास आई आर है क्योंकि हमारे पास जो पी पावर होता है, पी पावर आपके पास किसके बराबर होता है, यहाँ पर पावर आपके पास बराबर होता है आई आर वी पी इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। आपके पास जो पावर है किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने करंट को फाइंड आउट करना है, आई आर को फाइंड आउट करना है,
तो हमने वी इनटू कॉस ऑफ पाई को पी पे डिवाइड करना है, तो आपके पास से पी के वैल्यू हमें गिवन है और पावर फैक्टर का हमें गिवन है, लेकिन वी आर हमें अननोन है, तो हमें हमारे पास ये इक्वेशन बन गया आई आर किस चीज़ के बन गया है 312.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस पावर 3 डिवाइड बाई वी आर है, आपके पास आई आर का जो इक्वेशन है आई आर का जो वैल्यू है यही बन गया है। ये रिसीविंग एंड का करंट पर फेज है, रिसीविंग एंड करंट पर फेज हमारे पास यही बन गया है। अब हम क्या कहते हैं, सेंडिंग एंड का वोल्टेज है 3.3 केवीएल है, हमको 3√3 से डिवाइड करना है क्योंकि वोल्टेज पर फेज लें, लाइन टू लाइन से हमने वोल्टेज पर फेज लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई और डिवाइड बाई √3 करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड बाई थ्रू करते हैं, जब वोल्टेज पर फेज से लाइन टू लाइन की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई √3 करते हैं। क्वेश्चन बन गया है जेड का जो वैल्यू है बोथ रियल एंड कम्प्लेक्स वैल्यू होगा, क्योंकि वी आपके पास वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जे जीरो, यहाँ पर वी आर हम आपके पास कोई इमेजिनरी पॉइंट नहीं है, पार्ट नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर किया है। आई आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई आर प्लस साइन फाई आर इंटू आई आर है, आपके पास जो करंट का वैल्यू है प्लस जे एक्स एल, हमने उसको बोथ रियल एंड कम्प्लेक्स वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ हमने कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ले लिया बिकॉज जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल, हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन किया है, रियल पार्ट को अलग किया है और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया है और कुछ नहीं किया, उसको जो रियल पार्ट थे वो एक साइड पे लेके गया है और इमेजिनरी साइड को एक साइड पे लेके गया है, तो उसको अब स्क्वायर ले लिया और अंडर रूट ले लिया क्योंकि वी एस को, क्योंकि हमने उसको फिर जब उसको स्क्वायर ले लें तो उसको जब स्क्वायर ख़त्म कर लें हैं तो उसको आसानी पैदा हो जाएगी, बस चटोरम होते हैं उसका स्क्वायर लेते तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आखिर में आपके पास जब उसको फार्मूले खोल लें पूरे डिटेल से बहुत आसान है, अगर आप खुद उस पर काम का खुद खोल लें तो आपको आसानी हो जाएगी, तो आपके साथ वी एस इज इक्वल टू आई आर कॉस ऑफ आई आर प्लस एक्स एल आई आर इन साइन थीटा आर है, आपके साथ इस इक्वेशन से यही इक्वेशन आ जाता है जब उसको आप स्क्वायर रूट है वगैरह उसको ओपन कर ले। यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, जो आई आर का जो वैल्यू है हमने हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर हमने आई आर का वैल्यू हमने पुट करना है, क्या करना है यहाँ पर हमने आई आर का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट किए और फिर इस इक्वेशन नंबर 3 में अपने आई आर का वैल्यू पुट करना है। बस वी एस का जो वैल्यू है प्रीवियस स्लाइड से हमें पता है 1905.26 वोल्टेज पर फेज है, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू सारे पुट करते हैं, आई आर का वैल्यू पुट करते हैं और कॉस पाई आर का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं और साइन पाई आर का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, सबको हमने इक्वेशन सारे और एक्स और आई आर आई का जो वैल्यू हमें गिवन है हमने वो भी पुट किया, आर का वैल्यू हमने पुट किया, एक्स का वैल्यू है हमें गिवन है वो भी पुट किया है, ये सारे इक्वेशन हमने पुट की है, तो आपके पास 19 इक्वेशन बन गया है वी एस प्लस वी आर आपके पास इक्वेशन बन गया है, तो अब उसको वी आर को एक साइड पे लेके गया है तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन जो इस इक्वेशन से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास वी आर जो फार्मूला आखिर में जो जिस तरह क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लेते हैं बुक में सारे डिटेल में गिवन होता है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन होता है उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ वी आर का जो वैल्यू है 1831.45 वोल्टेज पर फेज है, लेकिन हमने उसको लाइन टू लाइन में गिवन है, हमें दोबारा उसको लाइन टू लाइन में कन्वर्ट करना है, जब लाइन टू लाइन को हमने उसको कन्वर्ट करना है से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वी आर 3.17 किलो वोल्ट लाइन टू लाइन आपके पास रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वही आ गया है। हमने लोड करंट को फाइंड करना है, आई आर को फाइंड करना है, हमने लोड करंट क्या कहा है पी इज इक्वल टू आई आर कॉस ऑफ थीटा है, पी इज इक्वल टू वी आई आर कॉस ऑफ फाई है, लेकिन हमने यहाँ पे करंट को फाइंड आउट करना है तो पी डिवाइड बाई वी आर कॉस फाई हो गया है, हमें आई आर का वी आर का वैल्यू क्यों होना है पी का वैल्यू क्यों होना है कॉस फाई का वैल्यू क्यों होना है, हमने इसमें पुट किया तो आपके पास जो लोड करंट है वो 170.6। हमने आखिर में क्या करना है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी किस चीज़ के बराबर होता है एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस पावर लॉसेस, आपके पास जितने भी पावर लॉसेस होते हैं हम उसको एड अप करते हैं आउटपुट पावर के साथ, जो आपके पास आउटपुट पावर आपके पास कितना है लेट्स सपोज 3 न्यूटन 3 है
और आपके पास जो इनपुट है वो ज़्यादा है 5 तो 2 क्या होगा, आपके पास पावर लॉसेज होते हैं। जब आप 3 को 5 के साथ एडअप करें तो आपके साथ इनपुट बन जाता है, इसलिए इसका जो फार्मूला है आउटपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट पावर प्लस पावर लॉसेज। हमने पावर लॉसेज किस तरह फाइंड करना है, पावर लॉसेज हमने फाइंड करना है आई स्क्वायर आर को, जब उसको आई एम ए गिवन है और थ्री फेज में लेते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है क्यूब नहीं है, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.2747 किलो वाट आपके पास पावर लॉसेज आ गए हैं। इधर पुट कर लेते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बन जाता है 97.72% आपका एफिशिएंसी बन जाता है। इसमें स्लाइड में एक दो तीन गलती आए तो मैं दोबारा से अपलोड करूंगा, यहाँ पे 2 है 3 नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इस चीज़ में। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है 3.2 है, पेज 93 पर है, इसी बुक में है, इसी बुक से गिवन किया, इसी बुक से लिया हुआ है। एक 220 केवी वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, 3-phase ट्रांसमिशन लाइन है, उसका जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है और रेजिस्टेंस पर फेज 0.1 किलो ओम पर किलोमीटर है और इंडक्टेंस पर फेज 1.33 mH पर किलोमीटर है। शंट कैपेसिटर इज नेग्लिजिबल है क्योंकि आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस जो गिवन है 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है। अगर यहाँ पे आप एक कंडीशन दी गया है शंट कैपेसिटर इज नेग्लिजिबल, इट मींस मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आपने वोल्टेज एंड पावर एट सेंडिंग एंड फाइंड आउट करना है, वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी को फाइंड करना है। व्हेन लाइन इज सप्लाइंग 3-phase लोड 400 mV 220 kV एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है, डेटा गिवन है एग्जांपल में, हमने उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है कि किस तरह हमने इस चीज़ों को कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। हमें सोल्यूशन गिवन है कि रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है हमने उसको 103 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि लाइन टू लाइन में हमने फेस वोल्टेज पर फेस को हमने उसको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है उसको 103 से आपने डिवाइड किया है तो आपके पास ये लाइन टू लाइन से कन्वर्ट होकर वोल्टेज पर फेज में कन्वर्ट होगी। आपके पास जो इम्पीडेंस है हमने उसको फाइंड आउट किया कि आपके पास इम्पीडेंस कितना है, 0.15 रेजिस्टेंस है और 3.4 और उसको 1.33 इसका जो लेंथ है ये क्या है 50 किलोमीटर लेंथ है। अगर लाइन का उससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है तो हमने उसको 50 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आपके जो इक्वेशन बनते हैं एक 7.5 प्लस जे 20.881 आपके पास बन गया है, फिर उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, पोलर फॉर्म के आपके पास जो एंगल है वो 70.24 एंगल आपके पास आ गया है। रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है कास पाई आर, आपके पास कितना है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, क्या है 0.8 लैगिंग फैक्टर है। हमने लोड करंट को फाइंड आउट करना है, जिस तरह आपने पहले बात की कि लोड करंट किसके बराबर होता है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज P = VI होता है, तो उसको 103 से इसने डिवाइड करते हैं कि लाइन टू लाइन फेज कन्वर्शन करते हैं तो आपके पास जो करंट है वो 10.4973 एम्पीयर हो गया है, और इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो एंगल है 0.8 परफेक्ट है, तो 0.5 एंगल से फाइंड आउट करें तो आपके पास जो एंगल बन जाता है वो 36.86 बनता है, लेगिंग पावर फैक्टर है इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगा दिया है, और इसको पोलर से हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो सिंपल कैलकुलेटर से पोलर से एंगल के साथ लिख लिया और पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज VS
इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर आई जेड, जो इक्वेशन हमें सब पता है कि इक्वेशन किस तरह है। यहाँ पर हमने वी सारे वैल्यू को हमने पुट करना है, इस सिंपल इक्वेशन हमने पुट करना है, तो हमारे पास वी एस इज इक्वल टू एक ए आ गया है कि इसका वैल्यू कितना है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज पर फेज है, हमने उसको लाइन टू लाइन में कन्वर्ट करना है, तो अंडर रूट थ्री से हमने उसको मल्टीप्लीकेशन दे दी है, तो आपके पास वी एस का इक्वेशन ये वैल्यू आ गया है आपके पास 254.6 केवी लाइन टू लाइन आपके पास वोल्टेज आ गया है। अब सेंडिंग एंड पावर आपके पास कितना है, P इज इक्वल टू 103 वी एस आई आई कॉस ऑफ पाई एस है, हमने सिर्फ उसको वैल्यू पुट करना है, तो आपके पास ये पावर आ गया है। पावर कितना है हमारे पास वी एस, वोल्टेज रेगुलेशन में फार्मूला है वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, इसका जो वैल्यू हमें गिवन फाइंड है, वी एस भी पता है, वी आर की वैल्यू हमें पता है, तो हम आसानी से उसको 15, हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 15.7% है वोल्टेज रेगुलेशन है। हमने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को फाइंड करना है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को हमने आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस पावर लॉसेस, हमने लाइन लॉसेस को फिर देखना है कि लाइन लॉस 3I² R है, और उसको सारा वैल्यू पुट करना है, हमारे पास लॉसेस है वो 24.79 मेगावाट आपके पास लाइन लॉसेस है। इसमें पुट कर लेते हैं एफिशिएंसी में जो इसकी इक्वेशन है उसको पुट आउट कर लेते हैं फोर, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है वो 92.81% आपके पास एफिशिएंसी आ गया है। और इसकी जो रेफरेंस है, मैंने दो बुक, एक वी के मेहता बुक है जो मैंने फर्स्ट बुक जो बुक डेटा था उधर अपलोड किया हुआ है, और एक जो अभी जो ग्रुप में अपलोड किया है उस बुक से हमने एग्जाम्पल वगैरह ले लिए है। थैंक यू। एंड क्वेश्चन आंसर, अगर किसी का